हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लास 10th के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, प्लेन मिरर के चलते इमेज किस टाइप से बनता है, रियल और वर्चुअल इमेज क्या होती है। और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि अगर रिफ्लेक्शन किसी कर्व सरफेस से हो, किसी स्फेरिकल सरफेस से हो, तो उस टाइम पे इमेज किस तरीके से बनेगी और इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप व्यूअर्स में से जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। तो स्फेरिकल सरफेस या फिर कर्व सरफेस कितने टाइप के हो सकते हैं, तो समझना, कोई मिरर इस तरीके से होता है। प्लेन क्या होता है? प्लेन मिरर तो इस तरीके से होता है, एकदम प्लेन। स्फेरिकल सरफेस दो टाइप से हो सकते हैं। पहला हो सकता है उभरा हुआ, ठीक है, यानी जो मिरर है हमारा वो उभरा हुआ है, ये जो पीछे की तरफ पॉलिश है। दूसरा क्या हो सकता है? इस तरीके से, यानी कि मिरर हमारा अंदर की तरफ गैप है। तो याद रखना, दो टाइप के कर्व सर्फेसेस हो सकते हैं। ये जो कर्व सर्फेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। तो इसे स्फेरिकल मिरर बोला क्यों जाता है उसे समझ लेना। ये है कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। तो इसको स्फेरिकल मिरर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक स्फेयर का पार्ट है। जस्ट सपोज दैट आप कोई स्फेयर लो, ठीक है, और उस स्फेयर में से आपने इधर कट किया तो हमें कैसा पोर्शन मिलेगा? ऐसा। अब अंदर से आपने पेंट लगा दिया, सिल्वरिंग कर दी, तो वो कैसा बन जाएगा? मिरर जिसका सरफेस हमारा कुछ इस तरीके से है। आपने फिर से स्फेयर लिया, अब की बार कट इधर से किया और इधर से पेंटिंग कर दी, तो भी ये क्या हो जाएगा? इस टाइप का एक मिरर हो जाएगा। पहले वाले केस में कट करके निकाला था, अंदर से पेंटिंग करी थी, तो उभरा हुआ जो रिफ्लेक्शन वाला साइड था वो उभरा हुआ था, अब की बार रिफ्लेक्शन वाला साइड अंदर की तरफ है। तो दो टाइप के सरफेस हो सकते हैं स्फेरिकल सरफेसेस। अब ये समझना कि इसको याद कैसे रखना, क्योंकि जब मैं 10th में था ना तो फिर कई बार कंफ्यूज हो जाता था कि कॉनकेव कौन सा है और कॉन्वेक्स कौन सा है। थोड़ा ध्यान देना है इसमें, देखना केव क्या होती है। केव गुफा होती है, यानी कि अंदर खाली होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो, लाइट रे जहां पर केव के अंदर जाए, लाइट रे जहां पर केव के अंदर जाए वो कॉनकेव होता है, और अगर एक कॉनकेव आपको पता चल गया तो दूसरा कॉन्वेक्स होगा ही। कॉन्वेक्स मतलब जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है। तो चलिए बात करते हैं इनसे, कुछ टर्म्स हैं इनमें, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले उन टर्म्स के बारे में सीखेंगे, वो टर्म्स क्या क्या हैं, फिर आएंगे कि इससे इमेज फॉर्मेशन कैसे कराई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने ले लिया एक सपोज दैट कॉनकेव स्फेरिकल मिरर, ये कॉनकेव स्फेरिकल मिरर है। तो इसमें जो सबसे पहला टर्म आता है वो आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो सबसे पहला टर्म आता है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? मैंने पहले ही बोला ना कि ये एक स्फेयर का पार्ट है, तो ये जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर का जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर का जो सेंटर होगा वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, तो ये जो स्फेरिकल मिरर है, ये जो स्फेयर का पार्ट है उसका जो रेडियस होता है, या फिर सिंपली बोल लें कि यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। थर्ड आता है पोल क्या होता है, तो समझना जैसे छाता होता है ना हमारा, कि छाता यानी कि जो एकदम सेंटर पॉइंट होता है, कुछ उसी तरीके से यहां पर ये जो एकदम सेंटर वाला पॉइंट है, जो स्फेरिकल मिरर है उसका जो एग्जैक्टली सेंटर है, इसे बोलते हैं पोल। फोर्थ प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये क्या होती है? वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को पास करती है उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये वाली जो एक्सिस है ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? प्रिंसिपल फोकस
तो समझ रहे हैं इसको, कई बार हम लोग सिंपली फोकस भी बोलते हैं. लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, सपोज दैट आपने कोई कॉनकेव मिरर रखा और जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं, वो जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, और डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से. सिक्स्थ पॉइंट आता है फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ को समझना, प्रिंसिपल फोकस से पोल के बीच का जो ये सेपरेशन, इसको बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ, और डिनोट किया जाता है स्मॉल एफ से. और लास्ट पॉइंट है हमारा एपर्चर. एपर्चर क्या होता है? तो ये जो स्फेरिकल मिरर है ना, इसका डायमीटर याद रखना, ये स्फेरिकल मिरर का जो स्फेयर बन रहा है उसका डायमीटर नहीं. सपोज दैट ये जो स्फेरिकल मिरर है इसका डायमीटर, यानी कि जो लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट होगी वो क्या होगी? ये वाली होगी. ये है हमारा एपर्चर. इसकी जो लेंथ होगी उसे बोलेंगे एपर्चर. तो ये तो बात हो गई भाई कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के. अब बात करते हैं अगर कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर हो तो उस केस में ये सारी चीजें कौन कौन सी होंगी. तो भाई ये है हमारा कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, ये भी एक स्फेयर का पार्ट होगा, और वो उस स्फेयर का जो सेंटर होगा वो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर. पोल क्या हो जाएगा? उसका जो एग्जैक्टली सेंटर है वो हो गया पोल. प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और सेंटर से पास करने वाली लाइन, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस. फोकस क्या होगा? अब इसमें जरा ध्यान से समझना, इसमें जब लाइट रे आती है तो वो लाइट रे डाइवर्ज हो जाती है. देख रहे हैं ना कि अगर कोई सरफेस इस तरीके से लाइट रे आएगी तो लाइट रे डाइवर्ज होगी. तो यहां पर लाइट रे डाइवर्ज हो जाती है. यहां से एक चीज ध्यान ये रखना कि जो कॉन्वेक्स होता है वो लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, और जो कॉनकेव होता है वो लाइट रेज को कन्वर्ज करता है. इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, इसको डाइवर्जिंग मिरर. तो कॉनकेव के केस में बोला गया था कि लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही वो जिस पॉइंट पे मीट करती हैं वो होता है प्रिंसिपल फोकस. यहां पर बोलते हैं कि लाइट रेज जो प्रिंसिपल फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही वो जिस पॉइंट से आती हुई लग रही हैं, यानी अगर यहां से हम लोग देखें पीछे से तो फिर हमको क्या लगेगा कि लाइट रे मिरर के पीछे से आ रही थी. सॉरी, अगर हम लोग आगे से देखें तो हमको लगेगा कि लाइट रे कहां से आ रही थी? यहां से आ रही थी. तो जो लाइट रेज जो पैरेलल जा रही हैं वो जिस पॉइंट से आती हुई लगती हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस. और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? ये वाली जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ. एपर्चर अगेन इस स्फेरिकल मिरर का जो डायमीटर होगा, जो लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट है उसको बोलेंगे एपर्चर. अब ये चीजें तो समझ आ गई कि क्या होती हैं, ये जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं इनको ध्यान रखना है हमें, और इसके बाद सीखेंगे कि इनसे इमेजेस किस तरीके से बनाए जाते हैं. तो स्टार्टिंग करेंगे कॉनकेव मिरर को लेकर. इमेज बनाने से पहले कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को समझते हैं. तो ध्यान से देखना, रूल्स टू फॉर्म इमेजेस बाई कॉनकेव मिरर. रूल्स टू फॉर्म इमेजेस बाई कॉनकेव मिरर. तीन रूल्स को हमें ध्यान रखना है. जो फर्स्ट रूल है वो ये कहता है कि कॉनकेव मिरर है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे आएगी वो फोकस से होके गुजरेगी. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे आएगी वो फोकस से होके गुजरेगी. जो सेकेंड रूल कहता है वो ये कहता है कि भाई ये है हमारा कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आई तो फोकस से गुजरी, अगर कोई लाइट रे फोकस से होके जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी. कोई लाइट रे अगर फोकस से होके गुजर रही है तो पैरेलल हो जाएगी. जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी वो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, यानी कि जाएगी टकराएगी और फिर अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी. समझ भी सकते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किसी स्फेयर का ये जो सेंटर है वो क्या है? स्फेयर का सेंटर था, और सेंटर से जब हम लोग कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा. अब सरफेस पे अगर 90 डिग्री पे कोई चीज हिट करेगी तो वापस से अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी. तो इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें इमेज बनाना है,
और अब इसके बाद देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे रखेंगे और देखेंगे कि उस केस में इमेज किस किस तरीके से बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। तो पहला हमने रखा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है? इंफिनिटी पे है। तो उस केस में समझते हैं कि जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है जैसे सन है, ठीक है, तो हमने मान लिया कि भाई मिरर के मुकाबले जो सन है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो ऑब्जेक्ट जब हमारा इंफिनिटी पे होगा तो उससे आने वाली रेज क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। और जब रेज पैरेलल हो जाएंगी, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही वो कहां पर कन्वर्ज होगी? फोकस पे कन्वर्ज होगी। हम बोलेंगे इमेज का फॉर्मेशन कहां पर होगा? इमेज का फॉर्मेशन होगा एट फोकस। बहुत ही छोटा होगा, एकदम पॉइंट साइज होगा, पॉइंट साइज। इमेज हमारा रियल होगा। रियल कैसे? अगर आप कोई किसी मिरर को रख के अगर हाथ रखोगे तो यहां पर वो पॉइंट बनेगा और जल भी जाओगे, ठीक है। तो ये होगा रियल इमेज। और इसके बाद धीरे धीरे हम लोग ऑब्जेक्ट को करीब लाएंगे। तो समझना है यहां पर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सॉरी इज बियॉन्ड सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर रखा है। तो ध्यान से समझना, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये है हमारा फोकस, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया कि ये जो फोकल लेंथ है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। फिर चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, फोकल लेंथ सेंटर और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है ऑलवेज, ठीक है। तो अब यहां पर देखेंगे क्यों होती है, इसका प्रूफ तो क्लास 12th में है, आसान है वैसे, अभी इस चीज को ध्यान रखना। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा, ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, इसकी इमेज कहां बनेगी और कैसी बनेगी? तो ये जो इसका टिप है ना, यहां से एक लाइट रे तो पैरेलल हमने निकाल ली, जहां पर भी दो लाइट रेज इंटरसेक्ट करेंगी वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो एक लाइट रे जो हम लोग सीधी ले गए हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो लाइट रे कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। और एक लाइट रे हम लोग फोकस से गुजार दिए तो ये लाइट रे कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। और पैरेलल होने के बाद यहां पर बन गया इमेज। तो इमेज कैसा बन गया? ए डैश बी डैश, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इमेज, अच्छा इमेज की साइज क्या होगी? ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। सबसे पहले लिखेंगे इमेज बनी कहां पर है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इमेज है कैसी? इमेज रियल है और इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड, और छोटा है, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। अब इसके बाद देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया जाए, यानी थर्ड पॉइंट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उस केस में इमेज कैसा बनेगा? ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, नेमिंग हमने कर दी, ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी, एक लाइट रे जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से होके पास होगी, और जो लाइट रे फोकस से होके गुजर रही है वो पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल होने के बाद ऐसी जगह पर इंटरसेक्ट करी है कि इमेज हमारा ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे बना है, ठीक है। तो यहां से देखना इमेज का फॉर्मेशन हमारा कहां पर हुआ है? एट सी। इमेज है कैसा? चूंकि रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है तो इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से उसका इमेज उल्टा बने तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। साइज क्या होगा? हम लोग बोलेंगे सेम साइज होगा, इमेज जितना जो साइज हमारा ऑब्जेक्ट का है वही साइज हमारा इमेज का होगा। अब इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है
उसमें देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में है. सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, तो देखते हैं हमने देखा था ना कि जब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी है तो इमेज हमारी सी और एफ के बीच में बन रही थी. अब जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सी और एफ के बीच में रखेंगे तो इमेज हमारी बियॉन्ड सी बनेगी. एक चीज ध्यान रखना, इमेज फॉर्मेशन में जितने भी इमेज फॉर्मेशंस हैं तो ऑब्जेक्ट और इमेज को इंटरचेंज किया जा सकता है. यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट के चलते इमेज यहां बन रही तो अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज यहां बनेगा. ठीक है, तो बना के देखते भी है. When object is between C and F, ये हो गया हमारा concave mirror, principal axis, focus, center of curvature, ये है हमारा object AB. जो light ray parallel गई है वो light ray focus से होके पास होगी और जो light ray focus से जा रही है वो parallel हो जाएगी और intersect यहाँ पर की image कैसा बनेगा? चूंकि rays actual में intersect कर रही हैं तो image हमारा real बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा. सबसे पहली बात, बनेगा कहां? तो बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड बड़ा बनेगा. ठीक है, तो आई होप कि आपको इतनी चीज तो समझ आई होंगी. अब इसके बाद देखेंगे कि क्या हो ऑब्जेक्ट हमारा अगर फोकस पे रखा हो, इमेज का फॉर्मेशन उस कंडीशन में कहां पर होगा. फिफ्थ पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस. तो जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे होगा उस टाइम पे किस तरीके से इमेज बनेगी, हमने देखा था ना कि अगर इंफिनिटी पे इमेज है तो जो ऑब्जेक्ट, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमारा फोकस पे बना था. तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है तो इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनेगी. समझते हैं इस चीज को? ऑब्जेक्ट अब की बार हमारा कहां पर है? फोकस पे है. तो एक लाइट रे जो पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के वो तो फोकस से गुजरेगी और जो लाइट रे यहां पोल पे गिरेगी, एक चीज ध्यान रखना, जो लाइट रे पोल पे गिरती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जितना ये एंगल है उतना ही एंगल बनाते हुए निकल जाएगी. हम लोग बोलते हैं ये जो लाइट रेज जा रही हैं, पैरेलल लाइंस कहां मीट करती हैं? कहीं नहीं मीट करती. तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो पैरेलल लाइंस हैं वो कहां मीट करेंगी? इंफिनिटी पे. ढूंढ लो इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी मिल गया तो मीट कर जाएंगी. यानी कि ये रेस कहीं नहीं मीट करेंगी और हम लोग बोलते हैं कि अगर मीट करेंगी तो वो जगह इंफिनिटी होगी. इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा? एट इंफिनिटी. और अगर इंफिनिटी पे मीट कर गई तो इमेज कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड. देख रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट इस तरीके से है, जहां भी मीट करेगी इमेज उल्टी बनेगी. सो रियल एंड इन्वर्टेड. तीसरा है, इमेज हाईली मैग्निफाइड बनेगा. जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे था तो इमेज पॉइंट साइज बना था. अगर इमेज ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे होगा तो जो इमेज होगी वो हाईली मैग्निफाइड होगी, बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी, हाईली मैग्निफाइड. अब बात करते हैं लास्ट केस की और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल, पोल एंड फोकस. व्हेन ऑब्जेक्ट is between pole and focus. So pole और focus के बीच में जब कभी हमारा object होगा तो image कैसी बनेगी? यह है हमारा concave mirror, principal axis, pole, focus. एक object रखा है हमारा इस तरीके से, object का नाम है AB. Light ray जो parallel जाएगी वो light ray तो focus से होके पास होगी और जो light ray pole पे गिरी वो angle of incidence equal to angle of reflection. ठीक है, यानी दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. अब समझना है यहां पर ये दोनों लाइट रेज डाइवर्ज होती हुई जा रही हैं, दूर होती हुई जा रही हैं. तो अगर हम लोग इसके पीछे देखें, अगर हमारा यहां पर आंख होगा तो हमको क्या लगेगा कि ये दोनों लाइट रेज कहां से आ रही थी? हमको लगेगा कि ये लाइट रेज मिरर के पीछे से आ रही थी और हमको यहां पर इमेज दिखेगी, एक बड़ी इमेज दिखेगी. ये इमेज है कैसा? ये इमेज वर्चुअल है क्योंकि एक्चुअल में पीछे से कोई लाइट रे नहीं आ रही है, या यूं बोले तो पीछे कोई लाइट रे मीट नहीं कर रही.
सो जो इमेज बनेगी वो बनेगी बियॉन्ड मिरर, बियॉन्ड मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और तीसरा ये मैग्नीफाइड बनेगी, बड़ी बनेगी मैग्नीफाइड, ठीक है। तो आई होप कि आपको जितने भी रे डायग्राम है वो रे डायग्राम समझ आए होंगे। अब इनके बहुत सारे यूजेस हैं, बहुत सारे, जैसे डेंटिस्ट लोग क्या करते हैं, मुंह के अंदर स्पेस कम है ना, तो फिर उसके अंदर एक कॉनकेव मिरर को देखते हैं कि कैविटी कहाँ है, किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है। बड़े बड़े शॉप में लगाए जाते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है, यानी कि अगर हमने एक बड़ा सा कॉनकेव मिरर लगा दिया तो कई सारी चीज़ों में यूज़ होता है। कॉनकेव सर्फेसिस का बहुत जगह पे यूज़ होता है, जैसे कि डिश टीवी का जो एंटीना होता है वो भी कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव होता है, ताकि जो वेव आए, जो सिग्नल आए वो एक तरफ कंसंट्रेट हो जाए। यूजेस तो आपको पता ही हैं, दो चार यूजेस और देख लेना। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर होगा उसके चलते इमेज किस तरीके से बनेगी। तो सबसे पहले देखेंगे रूल्स टू ऑबिटेन इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर, रूल्स टू ऑबिटेन इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो समझना, इसका जो फर्स्ट रूल है, पहला रूल है, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। तो बोला गया कि जो लाइट रे पैरेलल आएगी, जो लाइट रे प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल आएगी वो इस तरीके से डाइवर्ज होगी जैसा हमें लगेगा कि वो कहां से आ रही थी, फोकस से आ रही थी। जो सेकंड पॉइंट है उसमें ये बोला गया कि जो लाइट रे फोकस की तरफ जाएगी, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये फोकस है हमारा, जो लाइट रे फोकस की तरफ जाएगी वो लाइट रे पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल आती है तो इस तरीके से जाएगी जैसे कि फोकस से आ रही थी, अगर फोकस की तरफ जा रही है तो इस तरीके से हो जाएगी जैसे कि पैरेलल आ रही थी। और थर्ड पॉइंट है, जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, ध्यान से देखना, जो लाइट रे, ये हो गया हमारा फोकस और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर भी ध्यान रखना फोकल लेंथ का डबल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी वो लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। एक्चुअल में होता क्या है, जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही होती है तो वो सरफेस को 90 डिग्री पे हिट करती है, और जब सरफेस को 90 डिग्री पे हिट करेगी तो लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। और जो लास्ट पार्ट है इसमें हमारा, जो मैंने पिछली बार नहीं बताया था, बाई मिस्टेक दिमाग से उतर गया था, तो अगर ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, लाइट रे जो पोल पे गिरती है वो सिंपली रिफ्लेक्ट हो जाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होते, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह पे फॉलो होंगे, यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहाँ भी है, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी फॉलो होंगे, जो लाइट रे पोल पे गिरेगी वो सिंपली जैसे आई है सेम एंगल बनाते हुए लौट जाएगी। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे है तो इमेज किस टाइप से बनेगी। सबसे पहले देखेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, पहला केस है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। हमें चीज पता है कि जो चीज इंफिनिटी पे है उस वहां से रेज आते हुए, इन्फिनिटी का सेंस यहां पर है यानी कि कोई चीज बहुत ही ज्यादा दूर है, तो वहां से जो रेज आएंगी वो आते आते पैरेलल हो जाएंगी। तो सपोज दैट ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये है प्रिंसिपल फोकस, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है जैसे स्टार्स हो गए, तो वहां से जो लाइट रेज आएंगी वो आते आते पैरेलल हो जाएंगे प्रिंसिपल फोकस के। और फर्स्ट रूल से हमें क्या पता चला था कि लाइट रे इस तरीके से डाइवर्ज होंगी जैसे वो कहां से आ रही थी, वो आ रही थी फोकस से। तो अगर इधर से कोई इंसान देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि ये जो लाइट रेज आ रही थी किस पॉइंट से, इस पॉइंट से आ रही थी, और ये पॉइंट क्या है, फोकस। यानी देखने वाले इंसान को लगेगा कि रेज कहां से निकल रही थी, यहां से। तो इमेज का फॉर्मेशन कहां पर हुआ, एट फोकस हुआ। इमेज है कैसा, वर्चुअल एंड इरेक्ट,
virtual and erect. थर्ड पॉइंट, पॉइंट साइज ये इमेज होगा. देख रहे हैं ना कि जो इमेज है हमारा वो पॉइंट साइज है, एक्सट्रीमली स्मॉल. जो सेकेंड पार्ट है वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम पोल. व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सर्टेन डिस्टेंस या फिर इज एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर या फ्रॉम पोल. तो ध्यान से समझना, पोल हमारा क्या है, ये है हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल हमारा. कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है, यानी कि रेज पैरेलल नहीं आ रही. इनफाइनाइट पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं तो जो आने वाली रेज होती है वो आपस में पैरेलल होती हैं. बट अगर किसी भी डिस्टेंस पे रखा है, चाहे यहाँ रखा है, चाहे यहाँ रखा है, चाहे यहाँ रखा है, तो उस केस में एक लाइट रे को तो हम लोग पैरेलल निकालेंगे और जो लाइट रे पैरेलल जाएगी वो हमें इस तरीके से लगेगी जैसे कहाँ से आ रही थी, फोकस से आ रही थी. दूसरी लाइट रे हम लोग पोल पे गिराएंगे और पोल पे गिराएंगे तो इस तरीके से लाइट रे जाएगी, यानी दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. और इधर से कोई इंसान देखेगा तो उससे क्या लगेगा कि ये दोनों लाइट रेस कहाँ पर मीट कर रही थी, यहाँ पर मीट कर रही थी, यानी इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा ए डैश बी डैश. इमेज बन कहाँ रहा है, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, पीछे बन रहा है. सेकेंड पॉइंट है कैसा, ये जो इमेज है ये है हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट. तीसरा पॉइंट, ये स्मॉल साइज है ना, इमेज हमारा स्मॉल इन साइज. तो इसमें आपको सिर्फ दो ही रे डायग्राम याद रखना है. इसके बहुत सारे यूजेस हैं, जो हमारे गाड़ियों में शीशे लगे होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं, ठीक है. बड़ी बड़ी दुकानों में पहले कॉन्वेक्स मिरर बड़े बड़े लगाए जाते थे जिससे कि पूरी दुकान उसमें दिखाई पड़े, यानी कि कैमरे जिसको नहीं लगवाने वो बड़े बड़े शीशे लगवाते थे कॉन्वेक्स, और हर एक छोटी छोटी चीज़ें उसमें करके पूरी दुकान की इमेज दिखाई पड़ती थी. सो और भी बहुत सारे यूजेस हैं, यूजेस की बात आप खुद कर लेना, खुद समझ लेना. इतनी बातें तो हमें समझ आ गई. अब इसके बेसिस पे हमें देखना है मिरर फॉर्मूला. मिरर फॉर्मूला एक्चुअल में होता क्या है, हमने तो कुछ मोटी मोटी कंडीशंस देखी हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो चलो बियॉन्ड सी रखा है, सी के पीछे रखा है तो इमेज सी और एफ के बीच में बनेगी. अगर मैं आपसे बोल दूं कि जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है तो इमेज की पोजीशन बताओ, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए आता है हमारा मिरर फॉर्मूला. इमेज कितनी बड़ी बनेगी, कैसी बनेगी, तो उन सब की बात हम लोग आने वाले वीडियोस में करेंगे. आई होप कि आपको अभी तक तो सारा कुछ आसान लगा ही होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो. और मिलेंगे अब इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय.